भाई यार फीस का इंतजाम तो ना, अभी मेरे पास फीस का मिजान नहीं बन पाएगा। तू मास्टर से इस दफा ये कह देनू का मास्टर साहब मेरा अब्बू की जो टांग टूट गई है, इसलिए परेशानी बन रही है। अब्बू फिर अगले महीने तर दो दे इंतजाम। भाई अगले महीने की तू ये लगा ले, कोशिश तो मेरी पूरी रहेगी, काम पे तो मैं जा ही रहा हूँ, बराबर इंतजाम होगा तो मैं कर ही दूंगा। वरना अगले महीने तू ये कह देनू का मास्टर साहब इस दफा मेरे अब्बू की बाजू टूट गई है। अब्बू ऐसे तो फिर मैं 6 महीने ही टाल दूंगा। भाई बहुत बेहतरीन, फिर तो तू 6 महीने ही काल, फिर तो इंतजाम होता ही रहेगा। पहुंच तू स्कूल, 6 महीने होते ही तेरे स्कूल ही जो बदलवा दूंगा मैं। चले काम पे हम भी। बेगम साहिबा आटे की हो रही है तैयारी, इसे मैं शाम को रखाऊंगा, अब मैं चल रहा हूँ काम पे, है ना? अजी मैं ये कह रही काम पे को तो जा रहे हो, पर शाम को टाइम से आ जाइयो। क्या परेशानी बन गई? मेरे पीहर से आ रहे मिलने के लिए। भाई रुखसाना तुझे बाबला बुखार तो ना बन गा, जो का पीहर वाले आ रहे उन हरामियों को तू काम धंधा ना, मुझे तो काम है, उन लोगों के चक्कर में नहीं बैठा रहा हूँ, हर तीसरे दिन आते हैं वो तो। अबली बातों को कर रही है, नुका पीयर या आ रहे हैं। देख ला कितनी जीप चला रहा, कम बोला कर मेरे पीयर वालों के लिए। वो तो नगमा कह रही भाई से मिलना, इसलिए बतला दिया तुझे। नगमा? अच्छा नगमा आ रही है, और कौन आ रहा नगमा के साथ में? मेरी दोनों बहन आ रही हैं और भाभी भी कह रही आने के लिए, पर तू निकल जा मैं इस्तेमाल लूंगी अपने आप। भाई रुखसाना मुझे ऐसा लग रहा जैसे शरीर में टूटन बन रही है मेरे में, हड़कल सी होती आ रही है, बुखार बन जाता दिख है इधर के शरीर में, आधे आधे मुझे बुखार लग रहा, मुझे लगा बुखार बनेगा, आराम कर लेता हूँ। नहीं रिश्तेदार भी आ ही रहे, जाना अच्छा थोड़ी लगता। सुधरेगा थोड़ी तू, तेरा नगमा के नाम सुनते ही बुखार बन गा। ना 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 रुखसाना तेरी गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ ना है, तो अभी मामला बना मुझे तो, वरना दे तुझसे लेता हूँ, तेरे रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, इसमें क्या बात है? लेन दे मुझको, बता तू कितनी मोहब्बत मानता है मुझसे। भाई देख ले फिर मेरी मोहब्बत पे शक कर रही है पगली, बहुत मोहब्बत मानता हूँ मैं तुझसे। इतनी मोहब्बत मानता तो ताजमहल बनवा दे मेरे लिए। खर्चा तो बहुत लगेगा, भाई सोचूंगा इस ताजमहल वाले मामले में भी सोचा जाएगा। अभी तू मुझे ये बतला नगमा हर कितनी देर में आ रही है? वो तो रात बेरात आएंगे, टाइम लगेगा उनको। मैं जरा फिर चाचा श्यामलाल के पास हो जाऊं, कई दिनों से ना गया हूं, काम पे व्यस्त रहता हूं ना, हो जाऊं जरा मिल जाऊं ना उसे, फिर बैठूंगा आकना। चल दिया फिर सुहाड़ ने, इतनी मुश्किल से तो काम लगाओ, बुड्ढा खुद तो कुछ काम करता ना, ना इसको करने देगा, थोड़े दिन सुख शांति आई घर में उसको भी छील लेगा। हाँड़ने के अलावा कुछ काम ना। बड़बड़ाने की आदत ना गई अपनी अम्मी से सीख का ही है ना तू। बस तू क्या चाह रहा है यार, चल मेरे साथ चला चल। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ओ प्यार यार ढंग से चला ले यार, लग जाएगा नहीं तो 40 बीघे ही हम पे, 400 गज रहेगी कुल ये प्यार के चक्कर में। चला ले यार ढंग से। लो बाबा चीनी देख के बताओ मो। नौ मीठो चीनी के रोड। अब देखें बाबा। नौ बड़ी बात, नौ मीठो और गिर। अब देखियो। कैस कर रहा हूँ, पीठो तो है ही नया में और गिर। अब के 2 चम्मच गिर रही है, अब देखो अब मीठा होगा होएगा। चला थोड़ी सी न्यू करके देखिए, अब देखो
फिट जाग मोफ अब खेल करवा रहे हैं उसके ढंग तक गिर सेहत होगी होएगी अब देखो चाक के तुम सेहत होगी ना बाबा अब मैं कह रहा ज्यादा हो जाएगा तुम ही कह रहे गिर 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 देख ले तू फिटने काम कर रहा ना कर रहा यू कह फिर बाबा पीटे ठीक ही है कतई है बाबा मोह लगे चीनी नकली आगे दिख है जयकरण कलोडा नकली चीनी बेच रहा बाबा 40 रुपया की थी बताओ ठीक ही है कतई भी असर ना कर रही जाके सिर में देख मारिया बची हुई चीनी यार पैसा उल्टे लेकर आया फेते ठीक है बाबा भी आ तो खलके में गेर दू जब मिठाई ना होता यू ना 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 मैं एडजस्ट करके देखूंगा किंग गई ए बाबा ना यू हमारे सोन के खिलाफ है मीठी पींगे तो मीठी पींगे या खलकम गेरे तो उधर नई चीनी लाऊंगा ना जब बना लूंगा बहन बाबा जी ठीक है गेर जा अब बाबा जी पाम छुई छुआ एक बार आशीर्वाद दे दो मैं चल रहा हूँ जा 40 रुपए लेके यही हो बात है ए वो तो दे दो सदा सुहागन सुहागन वाला कह दो ब्याह होवे झट पेट ब्याह होवे तेरे झट पेट सदा सुहागी रहवे उबित के आ सदा ले रह लीजो और 40 रुपए ले खाइयो वहां पे ठीक है जी बाबा जी यही को कहा करूंगा मैं यहाँ अभी खलके में गिरे दे रहा हूँ अरे कहाँ चल दी सुबेरी सुबेरी कटोरी उठा के मांगने को थोड़ा बोल ले कदी बना घना रही जो तू हमारे घर से 2 दिन पहले कटोरी में चीनी लाया हो ना वही लेने आई हूँ चीनी तो हैगी रुचि पर यह चीनी में जो ना थोड़ी सी दिक्कत है दिक्कत दिक्कत कैसी आ गई दिक्कत यू है जैसा चीनी जो रहक रहे मीठी रहे ना पर यू चीनी मीठी ना हो यू फीकी है फीकोपन है चीनी में फीकी फीकी चीनी कैसी होवे दिखाइयो तन्नक मैं भी चक के देखूं ए उत्ते तुम भी बेईमान ही रहोगे इतनी मीठी चीनी में ऐप बता रहा थोड़ी बोल ले बेईमान बता रही है हमें अगर बेईमानी करनी होती ना तो है नकली चीनी टेप जाता मैं फिर डोलती बाद में लड़ती नु हमें नकली चीनी देगो फीकी चीनी देगो मैं तो यह हमारा शर्म करूँ ले चल मोहल्ले पड़ोस की बात है कभी भी कुछ मांगने चले जाओ तो हदुदार दाल चीनी दे दे बिचारी हमें बेईमान बता रही है पर उत्ते यू चीनी तो मीठी है तू चख के देख ले बेईमान है घी न ले हम चख लेंगे हमारा के इतनी खाने शुगर हो रहो अब तो यू मीठी है री हमारे घर तो भगवान कसम फीकी भाई विद्या रानी कसम है झूठ न बोल लो मैंने और मेरे बाबा ने खूब सारी गेरी दलिया में पर बात ही न बनी फीकी जब तो ऐ तो उत्ते अपने घर दिखाओ कभी ऊपरी चक्कर हो गया कुछ ऊपरी चक्कर मतलब वो हवा बयाल वालो हम बे हो जावे ऐसे ही मीठो खट्टो लगे खट्टो मीठो लगे ओहो अब आ गई मेरी समझ में सारी बात कहाँ समझो बताइयो अभी मैं 12वीं में फेल ना हुआ मो पता है ऊपरी चक्कर ये फिर वाई के कौम है नहीं मैं फेल हो रहा बता तो कितनी परसेंटेज बनी तेरी परसेंटेज 17% है पूरे गणित में 7 तो और 4 वहाँ में अंग्रेजी में और 3.5 वहाँ में दिखे विज्ञान में ऐसे ही मतलब रला मिला के 17% बैठो यो अब तुम और नू बता रुचि तू कहाँ बनाएगी आज चीनी का खीर बनाऊंगी मैं आज खीर तो एक काम ना कर एक डील कर लेते हैं तू जो ना थारी एक कटोरी तो थोड़ी सी चीनी है पर तू ये सबली चीनी ले जा 1 किलो पूरी थोड़ी सी गेरी हमने तो हम दलिया में तू ये सारी चीनी ले जा मोकर मेरे बाबा को एक एक कटोरा बड़ा वाला कटोरा भर के खीर दे दीजो चल ठीक है दे दूंगी आ जाऊंगा मैं सांझ को और दूध वूध सही गेर के थोड़े बदम बदम और गिरवा दी जाओ यू हमारे घर में हवा ब्याल की दिक्कत बनी कैसे बताओ घर में बढ़ते ही चीनी फीकी पड़ रही है oh, no.
मो लगे मेरे रिश्ता में ब्याह शादी में भी यू रोड़ा बन रही दिखे। करना पड़ेगा कुछ इंतजाम यार। भाई मिस्त्री साहब, आज चिनाई करने नहीं गए क्या? तुम तो इलियास के मकान तैयार कर रहे, छुट्टी पे हो आज? छुट्टी का क्या बतलाऊं चाचा, छुट्टी पे तो ना हूं मैं। छुट्टी पे ना है आज, मैं तो जा रहा काम पे को। काम पे को ही कर लिया, तैयार भी होगा। अब रुखसाना मुझसे कह लगी नु का पियर से नगमा आ रही है। अब चाचा इतनी दूर से हैरान होएगी और मैं घर ना मिलूं तो वो भी अच्छा सा ना लगता। कह रही कही है इनू भाई से मिलना। देखो चाचा, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, साली साहिबा जब आती हैं तो हंस बोलने में टाइम तो कटता ही कटता। एक चीज ना नोटिस करी तुमने, साली जो अपने शोहर की तुमसे बुराइयां करेगी, सुकून मिलता है चाचा, और तुम करो अपनी बेगम की बुराई उससे तो सुकून मिल जाता। भाई इसीलिए तो आना जाना रहता, वो अपने अपने शोहर की बुराई कर लेती है, मैं अपना रुखसाना की बुराई कर लेता हूँ। बस जीजो शांत हो जाए, ठंडक मिल जाती है, इस बात का सुकून रहता है। जब इसकी बहन इसकी बुराई मान रही है कि हाँ कर सकती है, तो फिर भैया हम ही क्या गलत कर रहे हैं बतलाओ, ना मानते हो चाचा तुम? हम भैया खाली सही कह रहे हो तो, या बात है हमारी साली ना रोमपली, वो भी अपने घर के की खूब बुराई करे करे, बहुत खूब ऐसी बतलाई करे, और मैं तेरी चाची की लड्डों की बुराई करे करे, बात है खूब बढ़िया बतलाई करे, बैठ के आराम से हमारे जो ना कई कई घंटा तक बुराई चले करे, बहुत सुकून भी ले करे भाई, वे दिन याद ही आवे। वैसे तुम्हारी तो चाचा पिछले महीने रुखसत हुई है ना साली साहिबा। पर चाचा हम तो बहुत ही दिनों से एक परेशानी से झूम रहे हैं। झूम क्या रहे, झुमा रखा मुझे तो। ये कहती है मुझसे नुके जी, तू अगर मुझसे मोहब्बत करता तो क्या मेरे लिए ताजमहल बनवा सकता? अब चाचा तुम जानो ये ताजमहल के बातों से बनने, मिजान ना चाहिए, दमड़ी ना चाहिए। अब बतलाओ चाचा क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान चल रहा हूं। हम भैया खालिद सही कह रहे हो तो, यह बात है ताजमहल जो है ना बात अंत न बनते हैं, दमड़ी तो चाहिए ही चाहिए। अब तू एक बात सुन ले, सन 96 की बात है, यू तेरी चाची ने मांग कर दी मोको भी ताजमहल बनवाओ, फंस गो। क्या करूँ, मैंने डांटनी डपटनी भी चाही, हाथ चले हुआ कर ज़्यादा मैं मजबूर हूँ। फिर मैंने एक स्कीम लगाई जो मैं तो बताऊँगा आगे, तो जब भी रुकसान है तो तन यू कहवे ना ताजमहल बनवाओ, हमारी वाली स्कीम अपना लीजिए, हम बताएंगे। सुबेरे कुआ के लत्ता न धो दे, चौके मत ना, मैं भी चौको हो, अब ताजमहल बड़ी चीज है तो करना पड़ेगा। भाषण मोज दिए, और यासु ज्यादा और करेगा ना, सुबह को बात है पहले जल्दी उठ गो और गोबर और गिर गया। कतई भी नहीं कह सकती कि ताजमहल बनवाओ मोको, यही मैं खुश हो जाएगी, वही दिन तक धोरू मैं तो बासन वासन में। भाई चाचा मैं भी तुम मानगाज है, मैं सोचा चाचा की जो इतनी प्यार मोहब्बत से कैसे गुजर रही है, इतने टाइम चाचा के निकाह को हो गए, कैसा बुढ़ा सही जी रहा, अब समझ गया चाचा मैं तो इन कामों को जो ना चाचा घर के कामों को, बर्तन साफ करना, दहली लीपना, झाड़ू लगाना, गोबर वगैरह डालना, इसको गुना समझाया। मैं सोचा है जनानी के काम है, आदमी कर ही ना सके, पर जैसा मैं मानगा, ये तो मोहब्बत की मिसाल तो यही है, सारी मोहब्बत तो चाचा इन्हीं कामों में छिपी है। इन कामों को करते रहो, जनानी खुश, तुम भी खुश, ये सही बतलाई है चाचा। आज से जो हो ना चिनाई विनाई करना बंद, मैं तो इसकी मोहब्बत में ही तो जावे यार, वरना चाचा तुम्हें पता ना मुझे तो ठाली रहना पसंद है। इलियास किसी और से बनवा लिया मकान को, अब ना जाने खाऊ मैं, अब तो चाचा अपनी मोहब्बत की मिसाल इसी तरह पेश करता रहूंगा। जब भी ये कहेगी नु का ताजमहल बनवाओ, फटाफट बर्तन मांज दिए, जैसे ही कहेगी ताजमहल की याद आ रही है झाड़ू ही काल दई। चाचा ये सही बतलाई है तुम्हारे स्कीम। अब एक काम कर तो, तू भी जाके मोहब्बत की मिसाल पेश कर और हमें भी करन दे, लुड्डो लड़ेगी नहीं तो। चल जा तू भी। चल रहा हूँ तो चाचा, जाके जो झाड़ू निकालूं और थोड़े बर्तन साफ करूं। हैं आदाब है।
देदी देदी दिल चीज तुझे देदी 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 लुड्डो ताजमहल को मत कह दीजो, ये बासन मंज जावे फिर गिरूंगा गोबर और फिर लगाऊंगा झाड़ू फिर बैठूंगा निसड़ को। मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन का कह रहे है समझो इशारो आज सू ओ लुड्डो दिल है तुम्हारो। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे ये दिल कह रहा है कसम से मोहब्बत करेंगे बेशुमार तुम हाथों को ना दो तकलीफ जाके करो आराम। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे ये दिल कह रहा है कसम से नमस्कार जी सभी को। यह कॉल लगी है तरीका तो कैसी लगी वीडियो एक तो जी कमेंट करके बताइयो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दीजिए, या मुंह पे कुछ करा यार लेके बैठ को तुम, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो और सबके साथ करो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर नहीं कर रखा तो, और वो जो बेल आइकन है वह भी बजा लो। यू वीडियो थोड़ी छोटी है, इसकी लेंथ कम है, रुचि के चल रहे हैं एग्ज़ाम तो ये समय नहीं निकाल पा रही क्योंकि एग्ज़ाम है तो भाई फिर समझना पड़ता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल फ्री है। तो मैं बिगर तुम्हारे अकेला थोड़ी कर लूँगा, यू बड़ी दिक्कत है तो यहाँ की तो कोई ऐसी परेशानी ना हो। बाकी वीडियो सपोर्ट करो जी, हमें सपोर्ट करो जी, हमें संटाग्राम पे फॉलो करो, मैं दामन भाटी नाम से है मेरी आईडी, ये एमजे मोहित एमजे भाटी और ये रुचि शर्मा ऑफिशियल। तो किसी एक की भी मिल गई तो हमारे फॉलोइंग में हम सब आपस में हैंगे ढूंढ लियो। नमस्कार जी।